गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमाऊत, आप सभी का स्वागत है आरजे करियर पॉइंट के ऑनलाइन एंड लाइव क्लासेस के अंदर। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि पिछले सेशन में जो सिंप्लीफिकेशन का हमारा जो पहला सेशन रहा है उसमें बहुत सारे लड़कों की ये शिकायत थी कि आपने बिल्कुल बेसिक से नहीं लिया, ठीक है। तो ये जो अपना वीडियो है, ये जो क्लास है अपनी स्पेशली टारगेट करके गई है, जो आपका सिंप्लीफिकेशन को कैसे फास्ट एंड एक्यूरेट तरीके से सिंप्लीफाइड किया जाए उसी को टारगेट करके हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल पूरे वीडियो को आप ढंग से देखना, पूरी क्लास को ढंग से अटेंड करना, ताकि आपके जो भी डाउट सेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी ये पता नहीं है कि हाउ टू कैलकुलेट फास्ट, ठीक है, फास्ट किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो आज अपन इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपन सीखेंगे कि जो मल्टीपल का जो प्रोसेस है, ठीक है, जो मल्टीप्लेक्शन का जो प्रोसेस है, गुणा का जो प्रोसेस है, उसको अपन किस तरीके से फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो स्पेशली अपन टारगेट करके उसी को बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखो, मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। ये जो सेशन रहेगा दोस्तों, ये आपके सिंप्लीफिकेशन में जो भी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स होने वाली हैं, ठीक है, तो उन सभी एग्जाम्स को टारगेट करके बनाया गया है। और ये जो प्रोसेस रहेंगे, ये आपके सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें ये बिल्कुल हेल्प करेंगे आपके, ठीक है, इजी वे में, और विद इन सेकंड में सारे क्वेश्चन निकल के आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो मैं कुछ बेसिक नंबरों से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। जैसे दोस्तों अपन बात करें कि 1 × 2, ठीक है, 1 × 2, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है दोस्तों, तो आपको पता है कि जब एक को दो से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 2 आता है, ठीक है। ये वन डिजिट नंबर है, ठीक है, वन डिजिट नंबर है। वन डिजिट नंबर्स को कैलकुलेट करना काफ़ी आसान रहता है, ओके, ठीक है। और लेते हैं क्वेश्चन, जैसे मैं कहूँ आपसे 3/4, ठीक है, जैसे अपन कहें कि 3 और 4 इनको मल्टीप्लाई करना है, तो वन डिजिट है यहाँ पे, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों अपने पास कितना आएगा, 12 आएगा। ये बिल्कुल बेसिक नंबर है, ठीक है। अब देखो, थोड़ा और अपन आगे चलते हैं, तो जैसे मैं कहूँ 6 और ये 7 है, इनको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन से स्टार्ट होंगे आपके वन डिजिट नंबर, ठीक है। तो वन डिजिट नंबरों को कैलकुलेट करना काफ़ी आसान रहता है। फिर देखिए, जैसे मैं कहूँ 8 और 9, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो अपने पास कितना हो जाएगा भाई, 72 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान है, इवन दैट हर एक कैंडिडेट को ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, और अगर नहीं आती है तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब देखो, कैलकुलेशन का लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं अपन, ताकि उन क्वेश्चनों को भी कैसे सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, इस प्रोसेस की बात करते हैं अपन। अब देखिए यहाँ पे, टू डिजिट्स पे बात करेंगे अब अपन। टू डिजिट्स का मल्टीपल कैसे किया जाता है वो देखिए आप। जैसे अपन कहें 1 और 2, आपको मल्टीप्लाई करना है 1 और 3 से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको 12 का पहाड़ आता है, अगर 13 का पहाड़ आता है, तो काम आसान है, ठीक है। लेकिन कई कैलकुलेशन ऐसी होंगी, बड़ी कैलकुलेशन होंगी, जहाँ पे पहाड़े काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए अपन किस प्रकार से स्पीड बढ़ा सकते हैं, देखिए। सबसे पहले मैं एक प्रोसेस लिख रहा हूँ, उन प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अमूमन पहले वाला तरीका मैं यूज़ करता हूँ, जहाँ पर आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इनको सोल्व करने का प्रोसेस यूज़ करते हैं। देखो, सबसे पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। उसके बाद में देखो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। फिर क्या लगाना है, नीचे इनटू लगाएंगे। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ठीक है दोस्तों। फिर देखो, 6 इसको ऐड करेंगे तो ये 6, ये कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, 1। यानी कि अपना जो ओवरऑल आंसर निकल के आया वो कितना आ गया, 156 आ गया, ठीक है। तो एक प्रोसेस तो रहता है ये, लेकिन ध्यान रखें, इन फ्यूचर जब भी आप क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, तो ये प्रोसेस यूज़ में नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। क्योंकि अगर बड़ी डिजिट यहाँ पर आ जाती है तो यहां पे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये लगाने में काफी टाइम अपना इन्वेस्ट हो रहा है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर अपन एक्यूरेट तरीके से और थोड़ा स्पीडली सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, 1 और 2 और 1 और 3 इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखो प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले आपको सिंगल लास्ट वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा,
छः हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तीन को एक से मल्टीप्लाई करना है और दो को एक से मल्टीप्लाई करना है। तो बताओ, तीन को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन, और दो को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो, और तीन और दो मिलकर के कितने हो जाएंगे दोस्तों, पाँच हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या करना है, जो भी रिमेनिंग पार्ट रह रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। वहीं आपका 156 आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपने कितनी टाइम कैलकुलेशन की, थ्री टाइम कैलकुलेशन की, जबकि यहां पे कितना टाइम कैलकुलेशन करना है, सिर्फ वन टाइम कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए आपको इन चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर्मेट में आपको लिखा रहा हूं, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, ठीक है दोस्तों। देखिए, इससे रिलेटेड अपन जितने भी एग्जांपल्स होंगे वो भी अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप पूरे वीडियो को ढंग से देखना। देखिए, पहला प्रोसेस क्या होगा अपना, फर्स्ट नंबर पे ये रहेगा कि अगर ये दो डिजिट है, ठीक है, अगर ये दो डिजिट है तो फर्स्ट नंबर पे क्या रहेगा कि आपको लास्ट वाली डिजिट को इस लास्ट वाली डिजिट से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड प्रोसेस पे क्या रहेगा, सेकंड प्रोसेस पे ये रहेगा कि ये दो डिजिट है, इन दो डिजिट्स को आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसको तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में जो भी रिमेनिंग पार्ट रहता है वो इन दोनों को जोड़ना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, दोनों को गुणा करने के बाद में इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और ऐड में जो भी अपना रिमेनिंग पार्ट यहाँ से रहता है उसको भी आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तीसरी प्रोसेस देखिए, तीसरी प्रोसेस क्या होगी, ये वही दो डिजिट हैं, इन दो डिजिट में क्या करना पड़ेगा आपको, देखो यहाँ से क्रॉस कर दिया तो अब अपने पास क्या बच रहा है, ये पार्ट बच रहा है, तो इन दोनों को आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और जो भी रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो इसमें आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये पहली प्रोसेस, जब भी आपके पास दो डिजिट की कैलकुलेशन आए तो उन दो डिजिट की कैलकुलेशन में आप यही प्रोसेस यूज़ करोगे, ठीक है। और भी बेहतरीन तरीके रहेंगे, जैसे 99 के केस में अलग कंसेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, 999 के केस में और दूसरे कंसेप्ट यूज़ करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये चीज़ें समझनी है कि अगर वो तरीके याद नहीं रहते तो इन तरीकों से भी क्वेश्चन को एक्यूरेट और स्पीडली सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं, पहला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन की बात करें तो देखो, जैसे मेरे पास है 3, 2 और 2, 1, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखो, प्रोसेस वही यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या थी, आपको लास्ट की डिजिट को लास्ट की डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। बताओ, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड प्रोसेस, यहाँ से कोई रिमेनिंग पार्ट नहीं बचा भाई, हासिल की कुछ भी नहीं बचा, तो 2 का 2 रह गया। अब सेकंड प्रोसेस यूज़ करेंगे, सेकंड प्रोसेस में देखो, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, 2 को 1 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 हो जाएगा। तो 2 तो 2, ये तो 4 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, तो 4 और 3 कितना हुआ दोस्तों, 7। रिमेनिंग पार्ट कुछ नहीं बच रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 7 लिखेंगे, ठीक है। अब थर्ड स्टेप की बात करते हैं, तो थर्ड स्टेप में देखो, अगर लेफ्ट हैंड से अपने को क्या करना है, पहली डिजिट को उठाना है और इस पहली डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × 2 = 6, यानी कि आपका आंसर निकल के क्या आ गया दोस्तों, 672, 672 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं और बेहतरीन अपन क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन पेपर भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, देखते जाइए दोस्तों, मजा आने वाला है आपको इस सेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसी पे बेस्ट और क्वेश्चन लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखिए, दूसरा, यदि मैं मल्टीप्लाई करूं 5, 2 और 3, 2, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अगर 32 का पहाड़ा आता है तो काम आसान है, लेकिन अगर पहाड़े नहीं आते तो यहाँ पे कैलकुलेशन काफ़ी टफ रहने वाली है। तीन प्रोसेस आपको लगाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर आप ये रूल फंडामेंटल यूज़ करते हो तो यहाँ पे विद इन सेकेंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस यूज़ करना है, यानी कि राइट साइड से आपको जो पहली डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड प्रोसेस, यहाँ पे देखो रिमेनिंग पार्ट कुछ भी नहीं बचा, फिर यहाँ पे सेकंड प्रोसेस यूज़ करेंगे। सेकंड प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,
और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब 10 और 6 को अपन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 का 6 और रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 1। ठीक है, 1 को कैरी रखना है। तीसरी प्रोसेस देखिए, आपको लेफ्ट साइड से आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और 15 में जो हासिल की अपने यहाँ पे बची थी 1, रिमेनिंग पार्ट 1 बचा था, उसको और जोड़ देना है। तो 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 1664। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होंगे, पैरामेडिकल की जो भी एग्जाम होगी, वहाँ पे एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ट रहेंगे। ठीक है, तो अगर इन क्वेश्चनों को विद इन सेकंड में सॉल्व करना है तो आपको ये तरीके सीखने पड़ेंगे। ओके दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ से देखिए, अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं केवल और केवल 2 डिजिट पे। ठीक है, बाद में अपन डिस्कस करेंगे 3 डिजिट पे, 4 डिजिट पे भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो रेयर कंडीशन है, आपको कम से कम सीखना है 3 डिजिट तक। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पे बेस लेते हैं अपन। जैसे यहां से मैं कहूं 6, 9 और 2, 3, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 6, 9 को 2, 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से देखिए, अब आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। ठीक है, जब आपने प्रोसेस समझ लिया तो उसके बाद में आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। मैं 1-2 क्वेश्चन और लूँगा, उसके बाद में अपन स्पीडली कैलकुलेट करना सीखेंगे इनको। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन, आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड से इन 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो राइट हैंड साइड से इन 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 27। रिमेनिंग पार्ट कितना बचा दोस्तों अपने पास, 2। ठीक है, इसको कैरी रखना है। सेकेंड प्रोसेस क्या यूज़ करेंगे, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 18 और 18 मिलकर के कितने हो गए, 36। 36 और हासिल की कितनी थी, 2, तो 36 और 2 कितने हो गए, 38। ठीक है, ये 38 हो गया। अब अपने पास रिमेनिंग यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, 3 बच गया। ठीक है, अब आपको लास्ट प्रोसेस यूज करनी है थर्ड नंबर की, यानी कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 है। और 12 में जब आप 3 ऐड कर दोगे, 12 में जब आप 3 ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इस कैलकुलेशन का जो आंसर है वो कितना रहेगा दोस्तों, 1587, यानी कि 1587 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लेता हूं मैं, उसके बाद में आप इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर आपसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दे दे, जैसे 8, 7, 3, 9, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वन लाइनर में आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए वही प्रोसेस आपको यूज करना है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, आपको राइट हैंड साइड से इन 2 डिजिट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो राइट हैंड साइड से अपनी 2 डिजिट कितनी हो गई, 7 और 9। तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 63। 63 में 3 मैंने लगा दिया और 6 अपन ने रख लिया, कैरी रख लिया। ठीक है, ये माइंड में होनी चाहिए, ये कैलकुलेशन आपको लिखनी नहीं है, ये माइंड में कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन सिर्फ इतनी करनी है। अब देखिए, सेकंड प्रोसेस यूज करेंगे तो सेकंड प्रोसेस में क्या था, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 21 हो जाएगा। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 72 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो 6 रिमेनिंग पार्ट था तो इन सभी को जोड़ देंगे तो 6, 2, 8 और ये कितना हो गया, 9, और ये कितना हो गया, 9, यानी कि 99 हो गया। 99 में आपको इकाई का अंक लेना है 9। ठीक है, उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट कितना रहा, 9, इसको आपको कैरी रखना है। अब देखो थर्ड प्रोसेस यूज करेंगे तो थर्ड प्रोसेस में लेफ्ट हैंड साइड से लास्ट की 2 डिजिट मल्टीप्लाई करनी है। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, ये 24 हो गया। 24 में अपने को ये रिमेनिंग पार्ट भी जोड़ना है तो 24 में 9 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 33। यानी कि आपका जो ओवरऑल आंसर है वो कितना हो गया, 3393, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन के थर्ड पार्ट के अंदर। अब देखिए, कुछ मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, उसको आप बेस्ट और इजी वे के तरीके से सॉल्व कीजिएगा। ओके दोस्तों, ये चीज़ें आपके कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर देंगी, और आपको जो भी एग्जाम में आप बैठोगे, अगर सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन आप 1-2 सेकंड के अंदर ही फिनिश कर पाओगे। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जैसे मल्टीप्लाई करना है आपको 7, 1
और 3 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और ले लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे अगर अपन बात करें 66 और 53, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। वन लाइनर आपको सॉल्व करना है इन चीज़ों को, ठीक है। एक्स मान के नहीं करना, कहीं आप नीचे एक्स मान के सॉल्व कर दो, क्योंकि ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो रही है, लेकिन ध्यान रखिए, आप जब भी इस टाइप के 5-6 क्वेश्चन आप सोल्व कर चुके होंगे तो आपकी स्पीडली यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और फिर आपको कैलकुलेशन करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है दो, इनको सोल्व कीजिए आप विद इन सेकेंड के अंदर, ठीक है। देखिए सोल्व करते हैं, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पहले क्वेश्चन में वही प्रोसेस यूज करना है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35। 35 और 3 कितने हो गए? 38। रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? 3। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। 21 और 3 कितने हो गए? 24। ये लो 24 85, आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं, इसी क्वेश्चन को भी सेम पैटर्न पर लेंगे अपन। देखो राइट हैंड साइड से आपको लास्ट की दो डिजिट सॉल्व करनी है, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? 1। इधर देखो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 और 18 कितने हो गए? 48 और 1 कितना हो गया? 49। तो 9 बच गया, रिमेनिंग पार्ट कितना बचा अपने पास? 4। तो 6 को 5 से गुणा करेंगे 30, और 30 और 4 कितने हो गए? 34। तो 34 98 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वन सिंगल डिजिट के आपके कैलकुलेशन है। अब देखिए आपको ऐसा बिल्कुल ऊपर नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल ऐसा नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कैसा मिलेगा, उस तरीके से आपको स्पीड बढ़ानी है। अब देखो अगर वास्तव में एग्जाम की बात करें तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उन चीज़ों के बारे में देखिए। टू डिजिट से रिलेटेड एग्जाम में आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे कि जैसे 3 4 हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 1 से, तो इसकी कैलकुलेशन बताइए, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए तरीका वही रहेगा, अगर आपने तरीका सीखा है तो बिल्कुल प्रोसेस वो के वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हुआ? 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद में सेकंड प्रोसेस क्या थी? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब 4 को तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से, तो 4 2 8, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3 1 3, तो 8 और 3 कितने हो गए? 11। रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? 1, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 3 2 6, 6 और 1 रिमेनिंग पार्ट था, कितना हो गया? 7, यानी कि 714 आपका क्या निकल के आ गया दोस्तों? करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आई थिंक अब कुछ चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। इनको बिल्कुल उल्टे रूप में सॉल्व करें हम, ठीक है। ये डेमो था, एक प्रेजेंटेशन था इस चीज़ का, लेकिन इसको अपन एक्चुअल रूप में कैसे करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से करेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, देखिए इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखिए आप। जैसे अपन कहें 2 1 इंटू 3 1, इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो आपको शार्प बनानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको कंपटीशन फाइट करना है, अगर आपको लड़कों से आगे निकलना है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन फास्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखो मेरे को दिखते ही पता चल रहा है कि ये फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। अब ये माइंडली कैलकुलेशन होगी यहाँ पे। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 3 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में करना क्या है अपने को, लास्ट की लेफ्ट हैंड साइड से दोनों डिजिट को सॉल्व करनी है, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, यानी कि 651 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं अपन, देखो इससे रिलेटेड। जैसे हम बात करें यहां पे कि 1 4 इंटू 5 9, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी करिए, ठीक है। जब प्रोसेस आपके समझ में आ गया तो खुद करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को 2 मिनट के लिए आप पॉज करेंगे, क्वेश्चन जितने भी हैं उनको खुद सोल्व करेंगे, और उसके बाद में वीडियो को पूरा देखेंगे, ताकि आपकी जो भी डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी अपन ने क्या करा कि राइट हैंड साइड से अपने को क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो 4 है इधर और इधर 9 है, तो 4 को 9 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 36। 36 का यहाँ पे क्या लेना है? 6। रिमेनिंग पार्ट कितना बचा अपने पास? 3, ठीक है। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 4 को गुणा करना है 5 से, तो कितना हो गया? 20।
एक को गुणा करना है 9 से, कितना हो गया 9, और 3 अपने पास रिमेनिंग था, तो बताओ ये कैलकुलेशन कितनी हो गई, 9 और 3 कितने हो गए, ये 12, इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32, और 32 में कितना आया अपने पास 2, रिमेनिंग पार्ट कितना बचा 3। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड से दोनों डिजिट सॉल्व करनी है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 5 और 3 कितने हो गए 8, तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया 826। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो टू डिजिट्स के सिंप्लीफिकेशन थी वो हमने सॉल्व की। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अगर थ्री डिजिट्स हों, अगर थ्री डिजिट्स हों और उसके बाद में 99 के कोई भी मल्टीपल हों तो उन केस को अपन डिस्कस करेंगे। आई थिंक दोस्तों आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और अगर आप पढ़ाने का प्रोसेस अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा और लाइक्स करना ना भूलना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।